वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? दिनांक 4 से 10 अप्रैल के मध्य आने वाला सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए गोचर ग्रहों का फल बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि का स्वामी होते हैं शनि। शनि जब राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि है और जब गुरु उस राशि पर आते हैं तो क्या करते हैं? बहुत अच्छा फल देते हैं। यद्यपि वो मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है, उदासीन है, फिर भी कुंभ राशि पर गुरु चेष्टा बली होते हैं। यानी आप जो सोचेंगे वो कार्य कर। चेष्टा बली का मतलब है जिस चीज के ऊपर आपकी चेष्टा लगी हुई है वो चेष्टा यानी आपका वो कार्य सकारात्मक होगा। इस पर चेष्टा बली गुरु आ रहे हैं। चेष्टा बली गुरु आपके 6 तारीख को आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। आपकी राशि पर आएंगे तो आपकी राशि पर तो थोड़े से चिंताकारक रहेंगे, हैं, कुंभ राशि वालों के लिए चिंताकारक रहेंगे, लेकिन आपकी कुंभ राशि पर आएंगे तो आपकी संतान बाधा दूर होगी, संतान को सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि भी आनंद होगा। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी परीक्षा सफल होगी और जो प्रेम संबंध जिनके नहीं हुए हैं वो जुड़ जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ कन्याओं का, उनका विवाह के संबंध जुड़ेंगे। इस प्रकार से आपके ये गुरुदेव कराने वाले हैं। भाग्य का विकास होगा, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा और अनेक प्रकार से आपको वैभव प्राप्त होने का योग बनने वाला है आपकी 6 तारीख से, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि पर पधार रहे हैं। ये 1 साल तक रहेंगे, 1 साल तक आनंद मंगल ही रहेगा आपको। बीच बीच में अगर बकरी मार्गी अतिचारी होंगे तो 8-15 दिन के लिए थोड़े अस्त व्यस्त हो जाएंगे, बाकी बहुत ही अच्छा फल देने वाले रहेंगे। शनिदेव जो है वो आपकी राशि से बाढ़ में चल रहे हैं, बाढ़ में चलते रहेंगे पूरे महीना भर, सप्ताह भर चलेंगे, हैं। तो अब ये पूरे सप्ताह बाढ़ में क्या है, शनि जब बाढ़ में होता है तो कंजूस बनाता है, व्यक्ति को पैसा खर्च नहीं होने देता है, तो पैसा खर्च कराएंगे नहीं और कृपण बना देंगे। लेकिन एक चीज़ है, आपका खर्च नहीं होगा और लोहे में अचानक कोई ऐसा खर्च कर दें जिससे नुकसान हो जाए। इस प्रकार से शनिदेव खर्च स्थान पर करने वाले हैं। धन संपत्ति और परिवार कुटुंब इनमें थोड़ा विवाद हो सकता है। परिवार से कुटुंबी जनों से आपको धन संपत्ति संदर्भ सेपरेशन तक करा सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और लोग और शत्रुओं का भी विनाश करेंगे और मामा के लिए सुख कारक नहीं रहेंगे और यही भाग के लिए भी थोड़ा सा विशेष हानिकारक रहेंगे। आपके धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे और पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा। वह ये आपके शनिदेव कराने वाले हैं। तो गुरु शनि की स्थिति मैंने आपको दर्शाई। अब मंगल और राहु ये दोनों चतुर्थ यानी द्वितीय स्थान पर चल रहे अथवा वृषभ राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि कुंभ से कुंभ मीन मेघ और वृषभ यानी चतुर्थे कलहागमा। इस समय माता के लिए थोड़ा संभल कर चलना है। माता का सुख मतलब रोगाणु हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है माता के लिए, उनका क्रोध माता का बढ़ जाएगा। भवन भूमि जो बन रहे हैं उसमें निर्माण के लिए थोड़ा 1 सप्ताह के लिए रुकावट आ सकती है और सब प्रकार से ये ठीक नहीं है। ये शनि की दृष्टि जो है वो बाढ़ में है, इसलिए वो ठीक नहीं है। और साथ साथ में आपके जो भाग के विकास में सहायक नहीं बन सकेंगे। इस प्रकार से शनिदेव का बंध बताया, गुरुदेव मंगल देव और राहु देव का मैंने बताया आपको। तो राहु देव जो है सो आपके चतुर्थ हैं, कष्टकारी बन सकते हैं। सुख भवन भूमि वाहन से थोड़े परेशानी आ सकती है, पिता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से कर्म क्षेत्र में कुछ अचानक परेशानी बढ़ा दे, ये भी हो सकता है। अब ये शनिदेव और गुरुदेव का मैंने बताया और राहु मंगल का बताया। अब मंगल देव राहु के बाद में शुक्र देव की स्थिति क्या है। शुक्र उच्च राशि के चल रहे हैं
और मीन राशि पे चल रहे हैं, आपकी कुंभ राशि से दूसरे स्थान पर हैं, बहुत अच्छी संपत्ति देने वाले हैं आपको। कला यदि चश्म खूरा भवित माद खाने तदा मुस्तरी कर कटेवा कमाने तदा जोशी का कहेगा पढ़ेगा हुआ बाद का बादशाह ही करेगा। उच्च राशि के जो है सो द्वितीय स्थान जो है वहाँ पर जो है सो मीन राशि पर जब चल रहे हैं शुक्रदेव, और उच्च के चल रहे हैं तो आपको माला माल करने वाले हैं, यानी पैसे के मामले में जो अचानक बड़े रूप में पैसा आपको इस सप्ताह मिल सकता है। और बुधदेव की स्थिति क्या है, बुधदेव आपकी राशि से बाद में हो जाने वाले हैं, व्यापार में बड़ी हानि उठाना पड़ सकती है, विशेष ध्यान रखना है आपको। हैं आपकी राशि से यद्यपि दूसरे हैं वो भी, लेकिन जैसो नीच राशि के होने के कारण थोड़ी परेशानी होंगी। और मीन राशि वालों के लिए क्या होगा, इस प्रकार से जो बुधदेव हैं और बुधदेव तो मीन राशि पे चले जाएंगे और आपकी कुंभ राशि से बाद में हो जाएंगे, हानि व्यापार में हो सकती है। इस प्रकार से आपके लिए ये चंद्रदेव की स्थिति क्या है, चंद्रदेव जो है सो धनु राशि पर हैं और आपकी राशि कुंभ है, तो एकादशे सर्वलाभम सब प्रकार से लाभान्वित होने का समय है आपको। 4 तारीख को बड़ा लाभ होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अच्छा ही ध्यान क्या रखना, लाभ ही लाभ माला माल होने वाले हैं। 5 और 6 तारीख को द्वादशे हानि रेव जितना लाभ कमाया है, और 5 और 6 तारीख को खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा, टिकाऊ नहीं रहेगा, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली है। 7 और 8 तारीख को यही चंद्रमा क्या करेंगे, आद्या चंद्र स्त्रिया कुरिया लक्ष्मी प्राप्त करने का समय है, अच्छी लक्ष्मी फिर से प्राप्त हो जाएगी। और द्वितीय संपत्ति रुत्तमाम 9 और 10 तारीख को उत्तम संपत्ति देने वाले रहेंगे। इस प्रकार से चंद्रदेव अच्छा फल देने वाले आपकी राशि वालों के लिए रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। वेलकम टू ज्योतिष समाधान केंद्र। अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अभी ज्योतिष समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आपकी कुंडली ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।